नमस्कार दोस्तों, दिसंबर आने लगा है और ठंड भी बहुत बढ़ने लगा है और गुलदावरी दोस्तों भर गया है फूलों से। और ये विंटर में दोस्तों अगर नहीं होगा तो मज़ा नहीं आता है, गुलदावरी ज़रूर लगाना चाहिए। और बहुत सारा वैरायटी है मेरे पास, तो आप लोगों के साथ कुछ वैरायटी मैं शेयर करने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, आपके सामने है ये मिनी वैरायटी है, लेकिन बाई कलर है और डुअल कलर में आता है, बहुत बढ़िया दिखता है और छोटे छोटे फूल और गमला भर के देता है ये। और इसके साइड में देखिए दोस्तों, और एक बाई कलर, ये रेड और इसका एज सब आता है येलो, दोस्तों गजेनिया जैसा ही दिखता है। और बचाना इसे बहुत मुश्किल होता है समर में, और ये बार बार मैं लाता हूँ दोस्तों, लेकिन सर्वाइव नहीं कर रहा है। इसे समर में खास केयर लेना पड़ेगा इस बार, और ज़रूर बचाऊँगा मैं इसको। और ये देखिए दोस्तों, और एक मिनी वेराइटी है पिंक में, और इसका पेटल काउंट देखिए बहुत ज़बरदस्त रहता है दोस्तों, और स्टार स्टार जैसा ही इसका पेटल रहता है, बहुत बढ़िया है, छोटा वेराइटी। और पिंक में मेरे पास और 3-4 वेराइटी है, सब धीरे धीरे खिल रहा है, आगे मैं आपको दिखाऊंगा। और देखिए दोस्तों, बहुत सारा बर्ड्स अभी भी है। और ये ग्रीन है देखिए साइड में, ग्रीन का पम्पम वेराइटी, और देखिए दोस्तों बहुत बढ़िया और लाइट ग्रीन में है, धीरे धीरे ये वाइट होता जाएगा और बहुत आगे खिल गया दोस्तों, ये 20 दिन पहले ही खिल गया है। और ये देखिए आपका रेड का एक लार्ज वैरायटी है, सेंटर इसका येलो आता है और बहुत हाइट में खिलता है ये, करीब आपका 3 फीट 3.5 फीट के ऊपर खिलता है। और साइड से मैं दिखा रहा हूँ, देखिए बहुत प्यारा दिखता है, ये खिलना शुरू हुआ है दोस्तों, आगे ये लास्टिंग करेगा और 15-20 दिन तक। वैसे भी गुलदावरी बहुत लॉन्ग लास्टिंग वाला फ्लावर होता है, और ये अगर आपका दिसंबर में खिल जाए दोस्तों तो जनवरी में इसका प्रूनिंग कर दीजिए, फिर आपका फरवरी में फिर खिल जाता है दोस्तों, लेकिन उतना फूल नहीं आता है। और ये ऑरेंज का देखिए मिनी वेराइटी, ये बहुत सारा मैं लगाया हूँ दोस्तों, और बहुत अच्छा लगा था मुझे अगले साल, इसीलिए इस साल मैं इसे ज़्यादा लगाए हूँ दोस्तों। और देखिए कितना प्यारा फूल है, और पहले तो डीप ऑरेंज में रह रहा है, बाद में थोड़ा फेड होके लाइट ऑरेंज हो रहा है। और देखिए दोस्तों, एक एक पौधे में अगर आपका 300-400 फूल आता है तो बहुत बढ़िया लगता है, और क्या चाहिए आपको। अगर आप पहले से लगाते हो तो देखिए, ये इसका कलर फेड होने लगा है और करीब 7-8 दिन तक चलेगा ये, और आगे पीछे होके ये खिलता रहेगा। और दोस्तों वाइट में देखिए, वाइट में सेंटर इसका येलो आता है और प्योर वाइट है, बहुत बढ़िया दिखता है। और ये भी दोस्तों हार्डी वैरायटी है, और ये बच जाता है बहुत आसानी से। अगर आप बिगिनर्स हैं तो इस टाइप का आप वैरायटी सब लगाइए। और देखिए दोस्तों, गुलदावरी इस साल मैं ज़्यादा कर दिया हूँ, गुलाब को कम कर दिया हूँ, क्योंकि गुलदावरी में मेंटेनेंस बहुत कम है और कलरफुल करता है आपके गार्डन को, करीब 1 महीने तक आपका गार्डन हरा भरा रहता है। इसमें दोस्तों जब फ्लावर लगा हुआ हो तो पानी आप कम मत कीजिएगा, पानी हो सके तो 2 बार दीजिएगा, सुबह 1 बार और शाम को 1 बार, क्योंकि अगर आपका मीडिया वेल ड्रेन है तो पानी सूख जाता है और फूल अच्छा नहीं आता है दोस्तों, फूल का क्वालिटी कम हो जाता है। और ये देखिए ऑरेंज में एक लार्ज वेराइटी, बहुत बड़ा फूल देता है, और पेटल काउंट देखिए इसका, बहुत सारा पेटल रहता है दोस्तों, और हालांकि कम फूल आता है इसमें छोटे के मुकाबले, लेकिन देखिए कलर इसका बहुत यूनिक कलर, और ये कलर आसानी से मिलता नहीं है दोस्तों। ये भी करीब 7-8 साल से है मेरे पास, और बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग 1.5 महीना रहता है दोस्तों इसका फूल। और ये देखिए, और एक पिंक में थोड़ा मीडियम वेराइटी है, पूना वेराइटी है, और इसमें भी फ्लावरिंग हो गया है दोस्तों, आगे नेक्स्ट वीक में ये बहुत बढ़िया दिखेगा जब सारे बर्ड्स खिल जाएंगे। और दिसंबर और जनवरी बहुत अच्छा रहता है गुलदावरी के लिए, और अभी इसमें फर्टिलाइज़र में कुछ भी नहीं दूंगा दोस्तों, क्योंकि फूल ऑलरेडी आ गए हैं। और ये देखिए, और एक वैरायटी, ये ग्राउंड कवर करता है, ये दोस्तों हाइट ज़्यादा नहीं होता है लेकिन फैलता बहुत तेज़ी से है, जैसे कि आपका पिटूनिया प्लांट फैलता है। और एक गमले में मैं देखिए 4 लगाया था, और देखिए चारों तरफ ये फैल गया है,
और आपका कैलेंडुला जैसा ही ये दिखता है फूल, बहुत प्यारा दिखता है दोस्तों, डाइसी जैसा। और देखिए ये ऑरेंज और येलो मिक्स कलर में आता है। तो दोस्तों ये वैरायटी आपको सब कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, फिर इसका पार्ट 2 मैं लाऊंगा और कुछ वैरायटी के साथ। फिर मिलते हैं दोस्तों, नमस्ते।